मेरा चैनल अंकिताज जायका। आज मैं आपके लिए दो तरह की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, लहसुन चटनी रेसिपी एंड ऑनियन चटनी रेसिपी। इसे आप पिज़्ज़ा, बर्गर एंड चपाती सभी के साथ में इसे खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहले हम बनाएंगे ऑनियन चटनी। ऑनियन चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 लाल मिर्च सूखी ली है। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ 1 चम्मच, आप चाहें तो सूखा धनिया भी ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ मैंने जीरा लिया है और 1 चम्मच सौंफ। इन्हें मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छे से रोस्ट करना है हमें इन्हें, और लो फ्लेम रखनी है। अगर आपके पास में धनिया है, साबुत धनिया, तो वो आप यूज़ ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 2 से 3 मिनट हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं जलाने मसाले हमें। लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया था मैंने। अब मैं इसी पैन में 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ और 4-5 लहसुन ले रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। यहाँ मैं 2 ऑनियन डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने अनिवन से कट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें सौते कर लूँगी अच्छे से। आपको फ्लेम लो ही रखनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमली डाल रही हूँ, इमली के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और थोड़ा से पानी में इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मैं पका लूँगी अच्छे से। मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। 1/2 चम्मच मैं यहाँ नमक ले रही हूँ। नमक के साथ में भी इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। ये बनने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिए अपने घर पे। पराठे, पिज़्ज़ा और डोसा, जिस पे आप इसको लगा के खाना चाहें उसे लगा के खा सकते हैं। ये मसाले जो मैंने रोस्ट किए थे वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करके हमें पकाना है। इसे ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम हमारी लहसुन की चटनी बना लेते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ से 10 से 12 लाल सूखी मिर्च को 10 मिनट के लिए भिगोया था और 20-25 मैंने यहाँ पे लहसुन की कली लिए हैं। इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये भी बहुत इजी रेसिपी है। इन दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड करते टाइम। ऑनियन चटनी में थोड़ा सा पानी आप कम लें। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी लिया है। आप इस चटनी को घी में बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है ये। 1/4 चम्मच मैंने हींग और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। इसे सौते कर लेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये भी बहुत बनना इजी है और इसे भी आप 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं दोनों चटनियों को। यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसे। दोनों चटनियों को आप बना के ज़रूर से देखें अपने घर में। 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी और ये देखिए इसमें ऑयल रिलीज हो गया है, तो हम इसे भी ठंडा करके सर्व कर लेते हैं। दोनों चटनियाँ बिल्कुल रेडी हैं, आप इन्हें बना के अपने घर में ज़रूर से देखें, बहुत ईजी रेसिपी है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगली नई रेसिपी के साथ में। इन चटनियों को आप ज़रूर से ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।